प्याज एक्सपोर्ट पर रोक लगे एक महीने का समय पूरा हो गया। इस बीच पीएम मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र दौरे पर जा रहे हैं। बता दें कि प्याज एक्सपोर्ट बैन के कारण किसानों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, खास तौर पर नासिक के किसानों, क्योंकि नासिक देश में प्याज उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। संयोग से प्रधानमंत्री मोदी 12 जनवरी को यहाँ आने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पीएम यहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत करेंगे। वहीं अब महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 12 जनवरी को प्रधानमंत्री के नासिक आगमन से पहले केंद्र सरकार प्याज को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। अब ये फैसला एक्सपोर्ट बैन खत्म करने या फिर प्रभावित किसानों को राहत देने का हो सकता है। राज्य सरकार भी अपनी ओर से इस तरह का ऐलान कर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई में सरकार चल रही है, इसलिए कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री के आने से पहले सरकार के खिलाफ किसान गुस्सा जाहिर करे। राज्य सरकार ने फरवरी मार्च 2023 में किसानों को प्याज के दाम पर 350 रुपए प्रति क्विंटल की मदद दी थी। प्याज की निर्यात बंदी से परेशान कुछ किसान सरकार का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ के किसानों को उनके फैसलों ने बर्बाद कर दिया। तो दूसरी ओर कुछ किसानों का कहना है कि हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करते, लेकिन ये जरूर कहना चाहते हैं कि किसानों ने भी आपको वोट दिया है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र दौरे से पहले क्या प्याज किसानों को कोई राहत मिल सकती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें किसान तक।